ग्लोबल समिट 2022 में आए हुए माउंट आबू की धरती पर देश से विदेशों से आए हुए बहनों भाइयों बुजुर्गों मंच पर बैठे हुए बहुत ही अति विशिष्ट अतिथिगण एवं इस संस्था के वो ऑर्गेनाइजर्स जिनकी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि बहुत ही बड़ी बड़ी विभूतियां राजनीतिक इस मंच से आपको अपने जीवन का ज्ञान दे के गए, राजनीतिक भी सामाजिक भी और धार्मिक भी। और इसी मंच पर डॉक्टर्स मीडिया और कुछ सामाजिक लोगों को भी समय दिया गया। सुधांशु जी जैसे बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व बहुत ही अच्छे प्रवक्ता जिस मंच पे बैठे हों, मुझे लगता है कि आप बहुत ही खुश नसीब है जिन्होंने सुना। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को जिसका काम उस डिग्री का था जिसको को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, वो था कोविड के उस भयानक समय में उन लाशों का दाह संस्कार करना जिनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। ये काम हम पिछले 25 साल से कर रहे थे, कभी सोचा नहीं था कि देश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी आएगी। जरा याद कीजिए पिछले 2.5 साल जब आपस में हम शक्ल देखने को मोहताज थे, किसी को आवाज से और किसी को आंखों से पहचानते थे। और उस समय को याद कीजिए जब वो भयानक समय आया तो सबके टेलीफोन बंद हो गए, समाज के लिए कोई आगे आने को उस समय तैयार नहीं हो रहा था जब लोगों की लाशें घरों के अंदर पड़ी हुई थी। वो शक्ति ईश्वर ने दी, बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब ने कि ध्यान लगा के काम करो तो ईश्वर खुद आता है, लेकिन शक्ति ईश्वर देता है। वो शहीद भगत सिंह सेवा दल को शक्ति मिली और 4,200 से ज्यादा जो डेड बॉडी को क्रिमेट करने का ईश्वर ने मौका दिया वो हमारी शक्ति नहीं थी। मेरे वो ड्राइवर्स जो शहीद भी हो गए लेकिन पीछे नहीं हटे, मेरे वो शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, मेरे खुद के बेटे, मेरा बेटा एक लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो डेड बॉडीज उठा रहा था मेरे साथ, ज्योतजीत सिंह, मेरी धर्म पत्नी रोटियां बांध के हमको शमशान पे भेजती थी और 22 दिन वह भूलता नहीं हूं अपने जीवन के। छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की लाश लेके आते थे या माँ की लेके आते थे, उनको नहीं पता होता था शमशान क्या होता है, क्रिमेशन क्या होता है। लेकिन वो देखने का समय आया कि करोड़पति हो चाहे साइकिल वाला हो, घर के अंदर बैठा था और रोटी नीचे से ऐसे जाती थी दरवाजे के नीचे से जैसे जानवर को दी जाती है। उस समय इंसान को अकल आनी चाहिए थी, ईश्वर को मानना पड़ा लोगों को। और जो वक्त फिल्म का गीत था उसका वो अंतरा बार बार याद आता है मुझे कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही बदला कि हमारे को हमारी औकात दिखाई गई। मुझे वो दिन नहीं भूलता है 21 अप्रैल का जब ब्रह्म कुमारी की हमारी एक बहन सुनीता जी जो कृष्णा नगर से सेवा करते करते और टीचर बनकर सूर्य नगर विवेक विहार के पास सेवा कर रही थी, कोविड में भी घरों में जाके लोगों को वो ट्रीटमेंट दे रहे थे, मेडिटेशन दे रहे थे, लेकिन वो भी नहीं बच पाए उस छोटी सी उम्र में। और उनको उस समय वहाँ पर जलाने के लिए कोई एम्बुलेंस भेजने को तैयार नहीं था और ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, उनका दाह संस्कार भी मैंने अपने हाथों से किया। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और मेरे लिए वो 26 अप्रैल का दिन नहीं भूलेगा कि रात के 2:30 बजे जब सारी दुनिया सो रही होती है, एक ऐसी शख्सियत थी जिसने मुझे फ़ोन किया और क्या कहा उन्होंने एक लफ्ज के अंदर कि शंटी जी आपको हम टीवी पे लाइव देख रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है, आप इसी प्रकार सेवा करते रहिए, ईश्वर आपको और शक्ति दे, जय हिंद।
और वो व्यक्ति थे नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। अगले दिन मुझे फोन आया उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाजों में मुझे कहा कि शंटी जी, आपने गुरु गोविंद सिंह जी की उस कहानी को सत्य कर दिया कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपने सिख कौम का नाम रोशन किया। मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि एक छोटा सा सेवा करने के माध्यम से, जो मैंने काम शुरू किया था 27 साल पहले, कि रात के 11 बजे मुझे एक मंत्री जी फ़ोन करते हैं, हर्षवर्धन जी, शंटी जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी सो रहा हूँ, 25 जनवरी। कहते आप टेलीविज़न लगाइए, आपका नाम टीवी पे चल रहा है, राष्ट्रपति जी ने आपका पद्मश्री घोषित कर दिया है। ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वरीय शक्ति है। आप भी जो ध्यान से काम करें, काम को छोटा मत समझे कभी, मेहनत से करें, लगन से करें। आप जिस संस्था के माध्यम से यहाँ आए हैं, पूरी दुनिया में मैं तो यही कहूँगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ नाम है, लेकिन दिल्ली में मैं देखता हूँ कि आज कोने कोने में इस शक्ति का प्रसारण हो रहा है। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को बुला के यहाँ पर सम्मान दिया गया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आई हुई सारी संगत का, मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, मंच पर आए हुए अतिथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और यही कहूँगा कि आप यहाँ से जब जाएँ तो अपने क्षेत्र में इस सद्भावना का संदेश लेके जाएँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।